नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिना गिरफ्तारी भी चार्जशीट कर सकेगी पुलिस, 1 जुलाई से लागू होगा नया कानून। नेपाल में लगातार बारिश की वजह से नूना बकरा नदी में उफान। सीधा टोल फ्री नंबर से शिक्षा विभाग को मिल रही सरकारी स्कूलों से जुड़े शिकायतें। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए कंपनियां तैयार। बड़े मैच में प्रेशर झेल नहीं पाई अफगानिस्तान की टीम, 9 विकेट से करना पड़ा हार का सामना। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिना गिरफ्तारी भी चार्जशीट कर सकेगी पुलिस, 1 जुलाई से लागू होगा नया कानून। 1 जुलाई से बिहार समेत पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं, जिसके तहत बिना गिरफ्तारी किए भी पुलिस अब कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर सकेगी। इस 3 नए आपराधिक कानूनों में शामिल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अथवा नई CRPC में कई नए प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत कोर्ट के फैसले को 7 दिनों के भीतर ई कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा, ताकि अभियुक्त और संबंधित व्यक्ति को फैसले की जानकारी उपलब्ध हो सके। वज्रपात से हुए मौत पर सीएम नीतीश ने 4 लाख के अनुग्रह राशि का देने का किया ऐलान। बिहार में मानसून का प्रवेश हो चुका है और इसके साथ ही कई जगहों पर वज्रपात भी देखने को मिला है। वहीं बिहार के 6 जिलों में वज्रपात से अब तक 8 लोगों की जान जाने की खबर भी सामने आई है। अब इसे लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अविलंब अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बारे में IPRD बिहार द्वारा पोस्ट कर जानकारी दी गई। बता दें कि वज्रपात से मुंगेर में 2, भागलपुर में 2, जमुई में 1, पूर्वी चंपारण में 1, पश्चिमी चंपारण में 1 और अररिया में 1 व्यक्ति की मौत हो चुकी है। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए कंपनियां तैयार। किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए कई कंपनियों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। इसमें वाड़ी, जैक्सन तथा गौतम सोलर जैसी कंपनियां प्रस्ताव भेजने वाली कंपनियों में प्रमुख हैं। सौर ऊर्जा लगाने के इच्छुक किसान कंपनियों की ओर से जारी किए गए नंबर पर कॉल कर संपर्क कर सकते हैं। किसान वाड़ी कंपनी से 9631017079, जैक्सन से 9190061162 और गौतम सोलर से 9311762820 पर संपर्क किया जा सकता है। बता दें कि पीएम कुसुम योजना के तहत 1235 कृषि फीडरों के सोलराइजेशन के लिए उपकेंद्र के लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए निविदा जारी की गई है। वक्फ संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराएं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का बयान। बुधवार को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित वक्फ संपत्ति का संरक्षण और विकास के लिए आयोजित 1 दिवसीय समीक्षात्मक बैठक को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि वक्फ संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराएं, ताकि सरकार वहाँ विकास योजनाओं को लागू कर सके। वहीं बैठक के दूसरे सत्र में समीक्षा के दौरान मुतवलियों ने वक्फ संपत्ति के अतिक्रमण एवं दाखिल खारिज नहीं होने का मुद्दा भी उठाया। इसके बाद मुतवलियों ने वक्फ संपत्तियों की मौजूदा स्थिति की जानकारी भी दी। नेपाल में लगातार बारिश की वजह से नूना बकरा नदी में उफान। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से बिहार के अररिया के जिला मुख्यालय से होकर बहने वाली प्रमान नदी नूना और बकरा नदी उफान पर है और नदियों के उफान से निचले क्षेत्रों में 3 से 4 फीट पानी भर आया है। नदी के पानी के साथ साथ गाद व बालू के बहाव के कारण आसपास के उपजाऊ जमीन बंजर हो रही हैं। वहीं नदियों के तल में गाद व बालू भरा होने की वजह से नदियों में उफान बढ़ती जा रही है और बाढ़ की समस्या हर साल विकराल रूप ले रहा है। वहीं निचले क्षेत्रों में पानी भर जाने की वजह से लोग सुरक्षित ठिकाने की तरफ पलायन करने में लगे हैं। सीधा टोल फ्री नंबर से शिक्षा विभाग को मिल रही सरकारी स्कूलों से जुड़े शिकायतें। बिहार में सरकारी स्कूलों में सुधार लाने के लिए शिक्षा विभाग पिछले 1 साल से कई नवाचार लाने में जुटा हुआ है। 1 साल पहले शिक्षा के अपर मुख्य सचिव रहे KK पाठक ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में सुधार लाने के मकसद से स्कूलों में निरीक्षण का नियम लाकर समस्या की जड़ तक पहुंचने का प्रयास किया था। वहीं अब इसी को एक कदम आगे बढ़कर शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव S. सिद्धार्थ ने अभिभावकों और लोगों से सीधे जुड़कर स्कूलों से जुड़ी समस्या जानने के लिए टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर जारी किए थे, जो बहुत हद तक कारगर भी साबित हो रहे हैं। ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में लोग स्कूलों, बच्चों और शिक्षकों से जुड़ी शिकायतें सीधे SCS तक पहुंचा रहे हैं। इस पहल से उच्च अधिकारियों को शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हालत की वास्तविक जानकारी तुरंत मिल पा रही है। नीट पेपर लीक मामले में आरोपी चिंटू और मुकेश CBI को किया गया हैंडओवर।
नीट पेपर लीक मामले में आरोपित चिंटू और मुकेश का मेडिकल कराकर पेपर वर्क होने के बाद जेल प्रशासन द्वारा दोनों को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। वहीं सीबीआई की एक टीम हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक को एक बार फिर स्कूल लेकर आई है, जिनसे बुधवार को दिन भर पूछताछ किया गया। वहीं आज भी पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम ने 8 लोगों को डिटेन किया है। सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। पटना हाईकोर्ट ने बीएसईबी और बीपीएससी से किया जवाब तलब। बीएसईबी और बीपीएससी को पटना हाईकोर्ट ने जवाब के लिए तलब किया है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में संगीत विषय को लेकर गलत प्रश्न पत्र व उत्तर को लेकर दायर अर्जी पर हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और बीपीएससी को 2 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामे दायर करने का आदेश दिया है। बता दें कि कोर्ट में आवेदक की ओर से दाखिल अर्जी में बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक के विज्ञापन संख्या 27/2023 को रद्द करके विभिन्न विषयों और विभिन्न स्तरों और वर्ग के तहत स्कूल शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। जीविकोपार्जन योजना पूरे देश में होगी लागू। 4 एजेंसियां योजना को समझने पहुंची बिहार। बिहार में शराबबंदी के बाद सतत जीविकोपार्जन योजना 2018 में लागू किया गया था, जो करीब 6 सालों में पूरे बिहार में अत्यंत गरीब और नशा के कारोबार से जुड़े लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ते हुए एक सफल परियोजना साबित हुई है। अब इसे दूसरे राज्यों में किस तरह लागू किया जाए, इसके अवलोकन के लिए कर्नाटक आजीविका प्रदान ब्राक और आईवेस दिल्ली की टीम मुजफ्फरपुर जिले के सकरा और मड़वन प्रखंड पहुंची है। 2 दिवसीय दौरे पर आई इस टीम ने सतत जीविकोपार्जन योजना से जुड़ी दीदियों से बातचीत की। वहीं जिला स्तरीय प्रबंधकों से एक परिचर्चा के दौरान पूरी परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए सभी के कार्यों से टीम को अवगत कराया गया है। संजीव मुखिया और सिकंदर के घर पहुंची सीबीआई टीम। बुधवार को सीबीआई की 2 टीमों ने नीट पेपर लीक मामले में 2 अभियुक्तों के घर का मुआयना किया और उनके परिजनों से बातचीत की। सीबीआई की एक टीम कनीय अभियंता सिकंदर प्रसाद यादवेंदु के समस्तीपुर के विथान थाना अंतर्गत पुसाहो स्थित पैतृक घर पहुंची, जबकि सीबीआई की दूसरी टीम पेपर लीक मामले में मुख्य अभियुक्तों में से एक संजीव मुखिया के नालंदा जिले के नगरनौसा प्रखंड के भुथाखार गाँव पहुँचकर जायजा लिया। बता दें कि सिकंदर फिलहाल जेल में बंद है। पटना के 2 थानेदारों को एसएसपी ने किया सस्पेंड। एसएसपी राजीव मिश्रा ने लापरवाही बरतने के आरोप में राजधानी पटना के 2 थानेदार रामकृष्णा नगर थाना प्रभारी कृष्ण चंद्र भारती और बेऊर थाना प्रभारी सुनील कुमार को निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार रामकृष्ण नगर थाने में यौन शोषण का शिकायत लेकर पहुंची एक महिला का शिकायत थाना अध्यक्ष ने नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने पटना एसएसपी से गुहार लगाई, जिसके बाद थानेदार ने 4 दिन बाद मामले को दर्ज किया और जांच के बाद लापरवाही को सत्य पाने पर थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं पटना के बेऊर थानेदार को भी एक पीड़ित के ऑटो पर पर्स चोरी होने पर गर्दनीबाग का मामला बताकर टाल देने पर जांच में पुष्टि होने के पश्चात थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया है। बिहार में साइबर अपराधियों का आतंक जारी। पैसा डबल का लालच देकर की 15 लाख की ठगी। बिहार में साइबर अपराधियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अब इसी कड़ी में साइबर अपराधियों ने बिहार के पूर्वी चंपारण के एक शिक्षक को पैसा डबल करने की लालच देकर अपना शिकार बना लिया है। साइबर अपराधियों ने शिक्षक को पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा और फिर अमेजोन के प्रोडक्ट को लाइक करके इसके स्क्रीनशॉट का टेलीग्राम पर शेयर करने को कहा। इसके बाद अपराधियों ने प्रीपेड टास्क के रूप में लगाए गए रुपए के बदले 2 गुने से कुछ ज्यादा रुपए मिलने की बात कही और नगर आईटीआई जयप्रकाश नगर निवासी प्रशांत कुमार से ऑनलाइन 15 लाख रुपए की ठगी कर ली। अवैध खनन करने पर चला बिहार पुलिस का डंडा। बिहार में बालू माफियाओं को लेकर पुलिस लगातार कार्यवाही में जुटी हुई है। ताजा मामला मसौढ़ी स्थित पितमास के पुनपुन नदी का है, जहां पुनपुन नदी में लगे अवैध बालू खनन कर रहे 6 बालू ट्रैक्टर को छापेमारी कर मसौढ़ी पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। पूरी कार्यवाही मसौढ़ी SDPO नव वैभव के नेतृत्व में अवैध खनन की सूचना मिलने के बाद एक स्पेशल टीम बनाकर किया गया है। हालांकि पुलिस को देखते हुए सभी ट्रैक्टर मालिक मौके से फरार होने में सफल हो गए। मामले में आगे की कार्यवाही की जा रही है। बिहार में बढ़ते अपराध पर नीतीश सरकार पर बुरी तरह बरसे तेजस्वी यादव। RJD नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर लगातार नीतीश सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में अपने एक्स हैंडल पर अपराध की एक लिस्ट बनाकर पोस्ट करते हुए तेजस्वी ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है कि ट्रबल इंजन सरकार में डबल अपराध के डरावने नजारे। बिहार में सरकारी अपराधी कब किसे कहां क्यों और कैसे मार दे, इसकी गारंटी यमराज भी नहीं दे सकता।
वहीं इसके आगे तेजस्वी ने लिखा कि इस मंगलमय जंगल राज पर सवाल करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। बड़े मैच में प्रेशर झेल नहीं पाई अफगानिस्तान की टीम, 9 विकेट से करना पड़ा हार का सामना। 27 जून को T20 विश्व कप 2024 के पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए मैच में अफ्रीका ने अपने ऊपर लगे चोकर्स के दाग को हटाते हुए पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में एंट्री ले ली है। अफगानिस्तान को सेमीफाइनल मैच में 9 विकेट से हराकर साउथ अफ्रीका ने अपना फाइनल का टिकट कटा लिया है। अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल मैच में प्रेशर झेलने में नाकाम रही और 56 रन पर ही ऑल आउट हो गई, जिससे एडन मार्करम की टीम ने आसानी से 8.5 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुनू गोपाल कुमार, अनवर करीम खान, राजकिशोर महतो, रंजीत मिश्रा, कृष्णा जी अम्बेडकर, गोनर शर्मा, मोहम्मद असगर कमल, संजीव कुमार, नौसाद रजा, उमेश ऋषिदेव, राकेश मिश्रा, कुमार धीरज, गुड़िया देवी, मोहम्मद साकिर हुसैन, रवि कुमार राम, सादुल्लाह पालवी, मोहम्मद अनवर, राजकुमार महतो, जितेंद्र ठाकुर, राम बाबू दास। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आज भारत और इंग्लैंड के बीच होने जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में किस भारतीय खिलाड़ी का प्रदर्शन बेहतर रहेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।